जोहार रांची, आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सबका रेडियो। मैं आरजे वैभवी शो लेकर आ गई हूँ डॉक्टर्स टाइम, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनुज कुमार, जो कि मैक्सिलोफेसियल सर्जन है और साथ ही साथ AOMSI और इंडियन योगा एसोसिएशन में एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है। तो सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रेडियो खांची 90.4 एफएम पे। धन्यवाद। तो लिसनर्स, आपने नाम से तो जान लिया होगा। जी बिल्कुल, ये वही अनुज कुमार है जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले जबड़े का सफल प्रत्यारोपण किया है और आई थिंक रांची में, झारखंड में ये पहला सर्जरी है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ सर आपको। धन्यवाद। बेसिकली ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये पूरे जोन का पहला सर्जरी था जहाँ पे हमने जॉ ट्रांसप्लांट किया था, आर्टिफिशियल जॉ। ओके, तो सुनाना आपने, ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और भी कई जगहों पे पहला प्रत्यारोपण है इन सारे जगहों में। तो सर, पहले तो मैं अब आपसे जानना चाहूंगी आपके बारे में, आपकी हायर स्टडीज कहाँ से हुई, आपका बचपन कहाँ गुजरा, आप कहाँ से हैं? मेरी स्कूलिंग रांची से ही हुई है। ओके। मैं क्लास 10th में बिशप स्कॉट से किया था और 11th-12th में डीएवी शामली में था, जेवीएम शामली। अंडर ग्रेजुएशन के लिए मैं बैंगलोर में था, आरवी डेंटल कॉलेज, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में केएलई बेलगाम में। उसके बाद मैं एक महीने हैदराबाद में रहा था क्लिफ्ट में ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद से यहाँ पे 2015 से मैं रांची में हूँ, मेनली भगवान महावीर मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट हूँ, और इसके साथ ही हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल और हेल्वी हॉस्पिटल में मेजरली मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी देखता हूँ। तो सर, टाइम जाया ना करते हुए सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये जो आपने जबड़े का प्रत्यारोपण जॉ सर्जरी जो की है उसके बारे में। देखिए, जॉ ट्रांसप्लांट जो हमने किया है वो बेसिकली हमने 3D टेक्नोलॉजी की मदद से एक आर्टिफिशियल जॉ जो कि टाइटेनियम एलॉय का बना हुआ रहता है उससे किया है। इसमें 3D टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस में अपने आप में बहुत रीसेंट एडवांस। इंडिया में जो पहला जॉ ट्रांसप्लांट हुआ था ये सेम 3D टेक्नोलॉजी से, वो 2014 में एम्स में हुआ था, एम्स न्यू दिल्ली में। फिर 2019 में एम्स भोपाल में उन्होंने किया था। ईस्टर्न इंडिया में, कोलकाता में कुछ कुछ सेंटर्स में होते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आपके जबड़े का कोई हिस्सा जो है वो ट्यूमर या कैंसर से ग्रसित है, क्योंकि कैंसर के लिए हम लोग इमीडिएट एडवाइस नहीं करते हैं, जब रेडियोथेरेपी वगैरह हो जाता है सेशन उसके बाद एडवाइस। तो सपोज कीजिए कि कोई या तो ट्यूमर हो गया, या फिर सपोज कीजिए कि कोई एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें चेहरे की हड्डी जो है वो बुरी तरह खराब हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई। तो उसमें ऑप्शन क्या रहता था कि जो हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है या फिर जो हिस्सा ट्यूमर से ग्रसित हो गया है उसको हम निकाल के हटा देते। उसमें समस्या ये आती थी कि पेशेंट का जो फेशियल एस्थेटिक्स है, जो पेशेंट का जो चेहरे का आकार है, वो पूरा का पूरा बदल जाता था, चेंज हो जाता था। दूसरा कि खाने को लेके बहुत ज्यादा समस्या आती थी, क्योंकि आपने चूंकि वो हिस्सा हटा दिया है तो वहाँ पे दांत भी साथ में साथ हट जाते थे, तो सारा कुछ जो है वो एकदम कॉम्प्रोमाइज हो जाता था। उसके बाद एक जो तरीका था वो तरीका था कि हम पैर के हड्डी को लेके उसको जबड़े का शेप बना के और उसको वहाँ पे सेट कर देते थे, तो उसको माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी बोलते थे। लेकिन उसमें भी वही फेलियर का चांसेस, नेक्रोसिस का चांसेस बहुत ज्यादा रहता था। दूसरा कि वापस, एक तो वो बहुत कॉस्टली हो जाता है, वो माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी 5.5-6 लाख रुपए का कॉस्ट हो जाता है उसका। दूसरा, इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा हाई रेट रहता था। दूसरा, अगर हो भी गया उसका, उसमें इम्प्लांट जो है कभी लेता था कभी नहीं लेता था, तो पेशेंट के प्रॉब्लम जो है बहुत हद तक सॉल्व नहीं होता। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारे पास जो पेशेंट का जो सिटी स्कैन हमने किया, हम लोग उसको सॉफ्टवेयर की मदद से ही प्लान करते हैं कि कितना से कितना तक का हिस्सा जो है वो काटा जाएगा। ये हम लोग सॉफ्टवेयर में प्लान करते हैं, और जो हिस्सा काटा जाता है उस काटे हुए हिस्से में हम लोग पेशेंट के आकार का ही जबड़ा को वहाँ पे डिजाइन कर, जो हमने डिजाइन किया उसी डिजाइन को हम लोग भेजते हैं मिलिंग के लिए, जहाँ पे टाइटेनियम के ब्लॉक्स आते हैं उसको लेजर के माध्यम से उसी आकार में कट किया जाता है, और जो हिस्सा अब वो बन के आया टाइटेनियम एलॉय का, उस हिस्से को अब हम वहाँ पे फिट कर देते हैं सर्जरी के दौरान। तो यहाँ पे एक जो सबसे मेजर चैलेंज रहता है वो ये चैलेंज रहता है कि चूंकि सारा का सारा प्लानिंग आपने सॉफ्टवेयर पे तैयार किया हुआ, वो सारा का सारा एग्जैक्ट प्लानिंग आपको रिप्लिकेट करना होता है OT थिएटर में पेशेंट जब एक्चुअल सर्जरी कर रहे हैं। आपने अब जब मॉक सर्जरी किया सॉफ्टवेयर में, वो एग्जैक्ट आपको रिप्लिकेट करना है जब आप एक्चुअल में सर्जरी कर रहे हैं। तो ये स्किलफुली जो है बड़ा एक चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि अगर 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर का भी डिफरेंस रहता है तो वो फिट ही नहीं होता। तो इसीलिए जो है ये टेक्निकली जो है हम लोगों के लिए सुपीरियर तो है ही, स्किल वाइज भी बहुत मेटिकुलस रहना पड़ता है। गलती की गुंजाइश जो है वो ना के बराबर रखनी पड़ती है ऑपरेशन थिएटर। उसमें जब आप वो जबड़ा सेट कर देते हैं, सारा सर्जरी कम्प्लीट हो जाता है, 3-3.5 महीने के बाद जो जबड़ा बन के आता है उसमें दांत लगाने का जगह बना हुआ रहता है पहले से।
हम उस पर दांत को फिक्स कर देते हैं। 3-4 महीने के बाद जो है पेशेंट अपना नॉर्मली, उसका आकार तो खैर ऑलमोस्ट 95-100% पहले की तरह आ जाता है और खाने का एफिशिएंसी जो है वो मोर देन 90% जो है पेशेंट अचीव कर लेते हैं, जो कि नहीं है। तो मतलब फिर नॉर्मल खाना, वो नॉर्मल खाना पीना, जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है उनका, जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, मोटा मोटी 8 महीना नौ महीने के बाद पेशेंट जो है नॉर्मल लाइफ स्टाइल में। जी, अब जानना चाहेंगे कि जबड़े से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं उनसे बचने के लिए क्या चीजें करनी चाहिए। देखिए सबसे कॉमन जो है वो तो दांत के इन्फेक्शन हैं जो कि आपके जबड़े तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में सपोज कीजिए बस दांत में हल्का सा कैविटी हुआ है, जो आम भाषा में बोलते हैं कीड़ा लग जाना। तो स्टार्टिंग में जब आप अगर कॉन्शियस हैं अपने हेल्थ को लेके और आप देखते हैं कि नहीं मेरे दांत में थोड़ा डिस्कलरेशन है, थोड़ा ब्लैक डिस्कलरेशन है या कहीं कुछ खाना फंस रहा है, आप चले जाइएगा डेंटिस्ट के पास, तो वो बस एक नॉर्मल सा फिलिंग करेंगे और आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आपने उसको कुछ दिन इग्नोर किया, उसके बाद दांत का दर्द स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद या तो आपको दांत को रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके बचाना पड़ता है, नहीं तो उसमें जो है आपको दांत निकलवाना पड़ता है। ठीक है, आपने तभी भी ध्यान नहीं दिया तो उसमें पस भर जाता है, वो मवाद जो है वो आपके जबड़े में फैल जाता है, आपके हड्डी को खा जाता है, सिस्ट बना लेता है, फेस इन्फेक्शन कॉज करता है, तो ये सारा कुछ जो है वो करता है। तो दांत की जो बीमारियाँ हैं वो बहुत स्टार्टिंग से आपको सिम्टम देने लगती हैं, एकदम स्टार्टिंग से आपका कुछ ना कुछ तो आप देखोगे ही, या तो आपका खाना फंसेगा या फिर आप जो है वो डिस्कलरेशन देखोगे। तो साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो बहुत पहले से डिटेक्ट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है कि आप उसको लेके अवेयर रहो। एक जो एस्पेक्ट है जो हम लोग सब लोग इग्नोर करते हैं वो है रेगुलर चेकअप। आपको हर 6 महीने में एक बार रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक बच्चा आया था, तो सब कुछ सामान्य, वो आया था सिर्फ और सिर्फ जो है एक बोल रहा था कि मेरा दांत थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, बस वो दिखाने के लिए, 10 साल का बच्चा। हमने जब स्कैन किया तो उसका पूरा का पूरा जबड़ा जो है वो अंदर से खोखला था, वो एक सिस्ट डेवलप हो गया था जो कि उसके पूरे जबड़े को वो सिस्ट जो है वो डैमेज कर दिया था, पूरा जबड़ा खोखला था। ठीक है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम रेगुलर चेकअप नहीं करते। रेगुलर चेकअप करा के हर इंटरवल पे अगर आपके डॉक्टर को कुछ लगेगा तो वो जो है वो उससे एडवाइस करेंगे कुछ, वो बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर जो है अपना चेकअप कराते रहें कम से कम हर 6 महीने। रिम्स जो है वो भी अब उसका डेंटल इंस्टीट्यूट भी जो है वो फुली फंक्शनल है, ठीक है, वहाँ पे भी एक्सरे का सुविधा है। तो आप जो है या तो आप जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं सब जगह ऑलमोस्ट डेंटिस्ट अवेलेबल हैं, तो बस अवेयर रहने की बात है। अभी आप ये भी बहाना नहीं दे सकते हैं कि नहीं नहीं पैसे का दिक्कत है, क्योंकि ये तो रिम्स में फ्री में है, या शायद 10 रुपये कुछ तो ऐसे ही लगता है। सदर अस्पताल में तो वो भी नहीं है, वो भी चार्जेस नहीं है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो ये अब सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा इंपॉर्टेंस होना चाहिए कि हम अवेयर करें कि आप इस पर ध्यान दीजिए, आप जो है रेगुलर चेकअप कराइए, पहला चीज। दूसरा चीज, किसी भी प्रकार का अगर आपको जबड़े में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ऐसा बहुत सारा जबड़े का ट्यूमर होता है जो कि आपको और कुछ नहीं रहेगा, आपको सिर्फ थोड़ा अटपटा सा लगेगा, थोड़ा मोटापन लगेगा, थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा, बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं, तो बहुत आपको सडन चेंज नहीं आए। अगर आपको किसी भी तरह का असुविधा महसूस हो रहा है तो आपको जो है उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको इमिडिएटली जो है उसको दिखाना है। तीसरा चीज, कि अगर डायग्नोस हो गया है कि आपको कुछ सिस्ट है या कुछ ट्यूमर है, चूंकि वो बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं, वो ओवर पीरियड ऑफ 5 years, 10 years, 15 years ग्रो करते हैं, तो लोग जो है वो निश्चिंत हो जाते हैं कि जब और कुछ मेजर दिक्कत करेगा तो हम देखेंगे, जब परेशानी बढ़ जाएगी तो हम फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन जब परेशानी बढ़ती है तब तक वो इतनी बढ़ जाती है कि वो जबड़ा ही क्रिटिकल हो जाती है वो। ठीक है, तो वो चीज है कि आप अवेयर जो है, आप ओरल हेल्थ के प्रति अवेयर रहें। मुंह में किसी प्रकार का घाव है, कोई छाला है, अगर 14 दिन के अंदर हील नहीं हो रहा है तो उसको जाके थोरल चेकअप करवाएं। ठीक है, ये एक थंब रूल है। जितने ओरल कैंसर्स हैं अगर आप उसको इनिशियल स्टेज में पकड़ते हो तो उनका मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी दोनों बहुत कम रहता है। तो थोड़ा सा भी छाला हो, और अगर यह छाला हो, सफ़ेद कोई दाग हो, किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस आप देखते हो ओरल कैविटी में जो कि 14 दिनों से ज़्यादा हो गया हो और किसी प्रकार का उसमें इम्प्रूवमेंट ना हो, तो उसको जो है आपको एकदम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे के उसको ट्रीट कराना चाहिए। मतलब जैसे हम बोलते हैं हेल्थ रेगुलर हेल्थ चेकअप, वैसे ही रेगुलर टीथ चेकअप कराना चाहिए, होना चाहिए जी। तो सर, जैसे कि हम जान रहे हैं आज के डेट में हर चीज़ जो है टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंडेंट हो गई है, तो मेडिकल साइंसेज में टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है? देखिए, मेडिकल साइंसेज ने तो खैर एक लीप लिया है टेक्नोलॉजी को लेकर, बहुत सारे नए चेंजेस आए हैं। 3D टेक्नोलॉजी जो अभी हमने जिसको यूज़ किया है वो खुद ही बहुत रिसेंट एडवांस में से एक आता है, बाकी सेक्टर्स में बहुत पहले से था, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पहले से इसका रोल रहा है,
आपको ज्वेलरी इंडस्ट्री में 3D प्रिंटिंग का बहुत पुराना रोल रहा है। मेडिकल टेक्नोलॉजी में अभी हाल में आया है, अभी दो दिन पहले ही मैंने देखा कि उन्होंने पहली बार जो है एक लकवाग्रस्त चूहे में उन्होंने 3D डिजाइन से किया हुआ स्पाइन डाला है लकवाग्रस्त चूहे में हाँ, जो स्टडी करते हैं, और वो चूहा जो है वो वापस से चलने फिरने लगा है। तो ये एक मेजर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा अगर हम कुछ ऐसा अचीव रेप्लिकेट कर पाए, अगर हम इंसानों में भी इस चीज को ले आते हैं तो वो एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट रहेगा। अदरवाइज वैसे अगर आप देखिएगा तो रिसेंटली बहुत नए नए चीज़ें आए हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी बेड साइड MRI आ गया है, मतलब वो बेड साइड ही जो है वो आपका MRI करा के जो स्ट्रोक वगैरह के पेशेंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प देता है। अब एक ऐप आ गया है, उस ऐप की मदद से आप अपना पेसमेकर का फंक्शनिंग देख सकते हैं मोबाइल ऐप से, ठीक है। वो आ गया है मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे, उन्होंने नए ड्रग्स आ गए हैं प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे। सिस्टिक फाइब्रोसिस में के ट्रीटमेंट में बहुत सारा चेंजेस आया हुआ है। नीडललेस ग्लूकोज मॉनिटर आ गया है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो डेफिनेटली बहुत तेज़ी से बदल रही है और मेडिकल साइंस को बदल रही है। इम्पॉर्टेंट ये है कि उस टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो हम अपने एरिया में करना स्टार्ट करें। जब तक हम ये नहीं करेंगे कि जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, चाहे वो बाहर में चाहे इंडिया के बड़े शहरों में, जब तक वो टेक्नोलॉजी को हम रांची में लेके नहीं आएंगे, अपने यहाँ लेके नहीं आएंगे, तब तक उसका एक्चुअल बेनिफिट जो है वो हम पास आउट नहीं कर पाएंगे यहाँ के लोग जी। और तब तक जो है लोग यहाँ से माइग्रेट करते रहेंगे इलाज के लिए बाहर। हमारी फोकस ये रहनी चाहिए कि आसपास के एरिया से लोग जो है वो यहाँ दिखाने के लिए, बेसिक जो हमारा फोकस है वो इस पर है। तो टेक्नोलॉजी का डेफिनेटली मेडिकल साइंसेज जो है बहुत एडवांसमेंट चल रहा है इसमें, और हम कोशिश करते रहेंगे कि हम लोग नई टेक्नोलॉजी को रांची तक लेकर आए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को बाहर जाना पड़ता है। अभी भी लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, अब जाना चाहेंगे। वैसे भी सर, झारखंड का जो मेडिकल फील्ड है वो काफ़ी डेवलप किया हुआ है, लेकिन आपका क्या सुझाव रहेगा झारखंड की स्वास्थ्य गुणवत्ता के ऊपर? देखिए, दो चीज़ें हैं जब आप हेल्थ एस्पेक्ट को लेकर देखते हैं, हेल्थ सेक्टर को लेकर देखते हैं, तो दो बड़े प्लेयर्स हैं, दो ही प्लेयर्स हैं। एक आपको हो गए जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के प्लेयर्स हैं, दूसरे हो गए जो प्राइवेट बड़े अस्पताल, तीसरे हो गए जो हमारे नर्सिंग होम्स हैं, और चौथे हो गए जो हमारे प्राइमरी डॉक्टर्स। पाँचवा एस्पेक्ट जो आया है वो हमारे जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, आयुष डॉक्टर्स हैं, या फिर कुछ कुछ जगहों पे हमारे इंडिजिनस मेडिसिन हैं, जैसे खास करके ट्राइबल पॉपुलेशन में बहुत सारा ऐसा मेडिसिन थेरेपी है जो उनका अपना इंडिजिनस है। आप जगह जब आप चाहते हैं कि हेल्थ सेक्टर ग्रो करे, तो ये आपको कलेक्टिव रखना पड़ेगा कि ये मल्टी फैक्टोरियल हो, ये जितने फैक्टर्स हैं, चाहे वो एक इंडिजिनस मेडिसिन हो, चाहे वो रिम्स हो, चाहे वो कोई एक बड़ा प्राइवेट अस्पताल हो, वो सारे सेक्टर्स जो हैं आपको पॉलिसीज वैसी रखनी पड़ेगी कि सारे सेक्टर्स जो है वो ग्रो करें। अगर हम चाहते हैं कि हम मेडिकल टूरिज्म को डेवलप करें रांची में, तो वो सिर्फ और सिर्फ सदर अस्पताल या रिम्स को डेवलप करने से नहीं, आपको प्राइवेट सेक्टर्स को भी उतना ही डेवलप करना है। अब प्राइवेट सेक्टर्स को आप डेवलप कैसे कर सकते हो? सरकार का तो बहुत ज़्यादा रोल ये नहीं रहता नहीं है। आप डेवलप उनको इंसेंटिव देके, फॉर एग्जांपल सपोज करो कोई टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं आई हुई है, नहीं है रहा, कोई एक अस्पताल है सपोज करो हेल्थ पॉइंट अस्पताल, कुछ एक नया लेके आना चाहे, तो दिक्कत ये है कि उसके लिए एक मेजर फंड चाहिए। सरकार ये कर सकती है कि उसमें जो है सब्सिडी दे सकती है, या फिर सरकार टाई अप कर सकती है, कोई एक योजना ला सकती है जिसमें लोन जो है वो सरकार को नहीं दे, सरकार जो है सिर्फ पॉलिसी फॉर्मुलेट करे, लोन बैंक दे, लेकिन सामान मार्केट रेट से कम में दे, ताकि हॉस्पिटल्स को थोड़ा इंसेंटिव मिले कुछ नया टेक्नोलॉजी लेके आने, वो इजीली ला सके, चीजों को अवेलेबल करा सके यहाँ के पेशेंट। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूरो नेविगेशन रांची में नहीं है, डॉक्टर संजय है वो स्टीरियोटैक्टिक करते हैं, ठीक है, जो कि अभी तक का सबसे रिसेंट है झारखंड के एरिया में। लेकिन अगर वो आप चाहते हैं तो आप न्यूरो नेविगेशन लेके आए, तो न्यूरो नेविगेशन के लिए वो तभी लेके आ पाएंगे जब आप उनको कुछ इंसेंटिव दो, अदरवाइज वो इतना बड़ा इन्वेस्ट करें और फिर वो बैंक को लोन भरे, वो बड़ा मुश्किल लगता है। तो सरकार जो है वो बस ये पॉलिसी लेके आ जाए कि हम आप लेके आइए, हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो जो नई टेक्नोलॉजी है उस पर सरकार ये कर सकती है। जो ऐसे दूर दराज के एरिया हैं, सिमडेगा हो गया, चतरा हो गया, लातेहार हो गया, वहाँ पे कोई अगर सिटी स्कैन खोलना चाहता है उसके लिए सरकार इंसेंटिव दे। तो आप जो है आप ओवरऑल ग्रोथ करवा सकते हो अपने गवर्नमेंट सेक्टर्स, और आप प्राइवेट बॉडीज को इंसेंटिव दे। ये जो है एक मेजर इंप्रूवमेंट जो कर सकती है सरकार, वो एक ये है। दूसरा, ट्राइबल हेल्थ पे तो गवर्नमेंट डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रही है। ट्राइबल हेल्थ को लेके अभी एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ है। उसके बाद जो मुख्यमंत्री योजना को उन्होंने बेसिकली आयुष्मान भारत को इंटीग्रेट किया है
आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना, जहाँ पे वो शायद 5 लाख तक का जो है वो रिलीफ दे रहे हैं, मतलब 5 लाख तक का हेल्प दे रहे हैं जो गंभीर ऐसे मरीज को गंभीर बीमारी से ग्रसित और जितने तरह के कैंसर हैं सारे उसमें इंक्लूडेड है। तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जो इलाज सदर में या रिम्स में नहीं हो पा रहा है उसको आप करवा सकते हैं, गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी। तो ये सब जो है वो गवर्नमेंट इनकॉर्पोरेट कर सकती है, तो इससे जो है ओवरऑल मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट है। मतलब कह सकते हैं कि हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप उनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, उनको टेक्नोलॉजी का हेल्प दिलवाइए, तो वो झारखंड को भी बड़े शहरों की तरह डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे भी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं जिसके लिए लोग बाहर जाते हैं वो यहाँ ट्रीट हो सकती है। तीन चीज़ें हैं कि आपका आप तभी कर पाओगे जब आपका जो रिसोर्स जो हेल्थ पर्सनल्स हैं जो ह्यूमन रिसोर्स है वो स्किलफुल हो, आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो और आपका जो वर्क फ्लो है जो सिस्टम है वो सीमलेस हो। ये तीन एस्पेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस, सर्जिकली स्किलफुल और जो सिस्टम है वो जो वर्क फ्लो है वो सीमलेस। ये तीन चीज रहेगा तभी आप जो है उसको इंटीग्रेट कर पाओगे। जी बिल्कुल। अब सर वक्त हो चला है हमारे जाने का, तो अनुज सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, आखिरी हमारा सवाल है कि जो डेंटल के स्टूडेंट्स हैं आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए इसमें तो खैर डेफिनेटली नंबर्स ऑफ डेंटल ग्रेजुएट्स जो है वो अलार्मिंगली बढ़े हैं। सबसे दिक्कत की बात यह है कि जो डेंटल ग्रेजुएट्स बढ़े हैं इसके बावजूद भी डिस्पैरिटी अभी भी है, मतलब कि रूरल एरियाज में अभी भी एक तरफ तो हमारे पास डेंटल ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हैं उसके बावजूद भी हम वैसा अवेयरनेस नहीं है लोगों में। तो पहला तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना स्किल को बढ़ाएं, आप जो है वो अपने स्किल को इन्हेंस करें। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि गवर्नमेंट करियर अपॉर्चुनिटी बढ़ा सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो PHCs हैं वहाँ पे जो है आप डेंटल ग्रेजुएट्स को बहाल कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके जो मेडिकल जहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वो उस गैप को ब्रिज करेंगे, वो आप काम जो है वो एक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे JPSC का उन्होंने निकाला हुआ है शायद, तो ये जो है लेकिन जो नंबर्स है बहुत कम है, 80-90 शायद वैकेंसी है, लोग जो है वो हज़ारों की संख्या में है, ठीक है। तीसरा कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो डेंटल सेटअप लगाने के लिए कुछ इंसेंटिव दे सकती है ताकि लोग थोड़ा उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हम छोटे सेटअप्स में जो है छोटे जगहों पे जो है हम क्लिनिक स्टार्ट करें, वो जो है वो एक गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन ओवरऑल जो है आप अपने स्किल को बढ़ाइए, गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहना जो है वो थोड़ा मुश्किल मुझे दिखाई दे रहा है कि कितना उस पर उससे हेल्प मिलेगा वो थोड़ा मुश्किल है, पर डेफिनेटली पॉलिसी मेकिंग में उन्हें ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, वो सब कॉलेजेस पे जो है वो DCI जो है वो थोड़ा देखे कि उसको फोकस करे, या तो बंद कर दे या फिर उसको जो है इम्प्रूव करने को बोले। तभी जो है जो हमारे ग्रेजुएट्स निकलेंगे वो स्किल्ड ग्रेजुएट्स हमें चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कॉलेजेस जो हैं उनको वो बंद होने चाहिए जो कि वो स्वास्थ्य वो स्टूडेंट्स का लाइफ जो ख़राब कर रहे हैं, वैसे कॉलेजेस जो है वो बंद होने चाहिए जहाँ पे आपको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, ऐसे कॉलेजेस पे ये करें। और बाकी वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि आप अपने स्किल को बढ़ाएं। प्रॉस्पेक्ट डेफिनेटली अभी भी है क्योंकि एक बड़ा तबका है लोगों का जहाँ पे डेंटल हेल्थ नहीं पहुँच रहा है, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे थोड़ी गवर्नमेंट की मदद से, अगर गवर्नमेंट थोड़े पॉलिसी में चेंजेस करती है तो वहाँ पे हम लोग डेंटल अवेयरनेस और डेंटल ट्रीटमेंट को उन सब एरिया में डेफिनेटली बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुज आपका हमारे रेडियो खांची 90.4 FM के स्टूडियो में आने के लिए। तो रेडियो खांची 90.4 FM शो डॉक्टर्स टाइम में आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अनुज कुमार, जो कि मैक्सिलो फेसियल सर्जन हैं और यहाँ के रांची के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में वर्क करते हैं। और इनके बारे में और मैं आपको बता दूँ कि AOMSI और इंडियन योगा एसोसिएशन में एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं ये। तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको इतनी सारी अच्छी बातें बताने के लिए। और अगर आप हमारे शो डॉक्टर्स टाइम में कुछ और जानना चाहते हैं तो हमारा नंबर 9472786904 है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमें। और अगर आपने नोट नहीं किया है तो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, 9472786904, इस पे आप कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। और साथ ही हमारा फेसबुक और इंस्टा हैंडल है रेडियो खांची के नाम से, तो आप यहाँ पे जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें आप लाइव भी सुन सकते हैं radiokhanchi.in पे। तो इसके साथ अब आज के शो से मैं लेती हूँ विदा, हम फिर मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबके रेडियो पर।